भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं तैयार हूं, पूरी भूमिका मंच तैयार है बातचीत करने के लिए। लेकिन एक बात है जो इसको मैं कहना चाहता हूं, वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक है और ठीक ठाक चल रहा था, और जो आज सुबह हुई थी उसमें तो लग रहा था कि बिल्कुल सब सही है, परफेक्ट पिक्चर बन रही थी जहां तक कांग्रेस का सवाल था और है भी, और उनकी पार्टी का मसला है, उस पर कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, तो ये दिन जो चल रहे हैं वो पितृपक्ष के चल रहे हैं। कुछ लोग इसे गर्वे दिन भी कहते हैं, कुछ लोग इसे भारी दिन भी कहते हैं। अब कुछ सब चीज सब हिसाब से ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शाम जैसे जैसे हुई पता नहीं क्या हुआ। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि हाथी पे भी बैठे हो पता नहीं क्या हो जाता है, क्या काट लेता है। बहरहाल कुछ यही हुआ। खबर पंजाब से टपकी, पंजाब के पास से टपकी, और जो हुआ वो सब आप जानते हैं। बहरहाल ये दो नवयुवक आज कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे थे, लग रहा था पेट्रोल आएगा, और दोनों बहुत अच्छा बोलते हैं। जहां तक सवाल है, इन दोनों की अपनी एक विचारधारा है, और उस विचारधारा से वो अपने को जस्टिफाई भी कर रहे थे कि एक ने घर क्यों छोड़ा और एक ने टेक्निकली इस्तीफा अभी क्यों नहीं दिया। वो दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी और दोनों लोगों ने अपनी बात को जस्टिफाई किया। लेकिन मैंने भी एक बात कही आपसे कि पता नहीं क्या है कांग्रेस का, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हाथी पे भी बैठे हो क्या हो जाए, तो वही हुआ। बहरहाल जो मेहमान है हमारे साथ, उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। आज भूमिका की जरूरत नहीं है, डिबेट ओपन है, हर आदमी बोलने के लिए तैयार है। संजीव सिंह आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव भाई, थैंक यू सो मच। रोहित चहल बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रोहित, बहुत दिनों बाद जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुनील यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष बहुत बेहतरीन तरीके से रखते हैं, आज हमारे साथ लखनऊ से एक बार फिर से मुखातिब हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धर्मवीर चौधरी साहब बीएसपी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ, वेस्टर्न यूपी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच धर्मवीर चौधरी जी। शिवम त्यागी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शिवम। और ऋषि मिश्रा जी बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं, थैंक यू सो मच। संजीव जी मैं आपके पास ही सीधे आना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि जब खबर बहुत अच्छी थी, एकदम से ना जाने कहां शाम को खबर टपक पड़ी, और वैसे तो दोनों का आना बहुत अच्छा था, जब सब जा रहे थे तो कोई जहाज में आया, ये तो बड़ी खुशखबरी वाली बात थी जी। संजीव जी जी सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के शुभ अवसर पे जी, देश के वो नौजवान जो भगत सिंह के विचारधारा से प्रभावित होकर के, आपने देखा पिछले 7 सालों से दिल्ली से लेकर के पूरे देश में आंदोलन के प्रतीक बने कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी, उनकी पूरी टीम, हम कांग्रेस के लोग उनका स्वागत करते हैं। आज सवाल इस बात का है जो राहुल गांधी ने बहुत पहले कह दिया था कांग्रेस में, कि जो लोग संघ की विचारधारा के साथ हैं वो कांग्रेस में रहने लायक नहीं है। आज अभी कन्हैया कुमार ने क्या बड़ी बहुत बड़ी बात कही, कहा कि आज देश का प्रमुख विपक्ष जो कांग्रेस है, और लोगों को क्या कहा नौजवानों को कि बाउंड्री वॉल पे बैठ करके दाएं बाएं मत देखिए। इससे स्पष्ट है कि आज कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो हिंदुस्तान में हिटलर और मुसोलिनी के राह पे चलती हुई तानाशाही राज पे चल रही है, उसका विरोध और उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस कर सकती है। रही बात आज चंद्रशेखर, आज याद करना है भगत सिंह को, आज दो लाइनें कहना चाहता हूं। भगत सिंह की लाइनें आज उसी तरह से जीवंत हो उठती हैं कि उन्हें ये फिक्र है हरदम नए तर्जे जफा क्या है, और हमें भी जिद है कि देखें सितम की इंतहा क्या है। ये वो नौजवान है जो सत्ता के उस तानाशाही के खिलाफ खड़े उठे थे, और हमारे जैसे भी नौजवान कांग्रेस से पिछले 2 साल से जुड़े, हम लोग भी आंदोलन से जेल गए, और जेल से जब निकले तो हमारी भी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी ने कांग्रेस हमको ज्वाइन इसलिए नहीं कराए कि कांग्रेस को मजबूत। संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, मैं सुन रहा था अभी, और जैसे कन्हैया बोल रहे थे, कह रहे थे कि बड़ी पार्टी है, बड़ा जहाज है और ऐतिहासिक जिम्मेदारी है, तो लोग वहां चुक गए हैं, लोग वहां रह गए हैं, इसलिए इनका आना जरूरी था, और जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं वो किस काम के हैं ये भी तो जानना जरूरी है, क्या जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे थे क्या? संजीव जी नहीं, देखिए जिम्मेदारियों की जो बात आपने कही, बखूबी जो बड़े लोग हैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक वैचारिक पार्टी है। कन्हैया कुमार ने किस बात को कहा कि मैं जिस दल से राजनीति को सीखा उस दल को भी मैं सम्मान देकर के आया हूं।
लेकिन आज उनको यह एहसास हुआ और हमारे जैसे तमाम देश के करोड़ों नौजवान आज मान के चल रहे हैं कि जो सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकी, जो रोजगार मांगने पे उनको देशद्रोह का थप्पा लगा दिया, जो सरकार किसानों के साथ नहीं रही, जो सरकार कोरोना में गंगा में बहती लाशों पे अपनी राजनीति को सेकती रही, तो इसलिए आज राइट संजीव कांग्रेस राइट संजीव मैं बिल्कुल आपकी बात मैंने ले ली, लेकिन मुझे दूसरा सवाल ऋषि मिश्रा जी से पूछना है। ऋषि मिश्रा जी, गजब बैटिंग हो रही है, बैटिंग करनी भी चाहिए, और लेकिन गजब बैटिंग हो रही है और गजब की फिसलन है पिच पर। देखिए साहब, उधर तो ये हुआ, पंजाब से खबर क्या आ गई कि इस्तीफा दे दिया, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है संभालेंगे कैसे? तो सोचा था कि एक ही दिन अच्छा है, कम से कम बीते तो अच्छा दिन, लेकिन ये कैसे हो गया? ऋषि जी देखिए देखिए प्रतीक जी, मैं आपके बात से सहमत हूँ। जिस प्रकार से आज मीडिया कवरेज कांग्रेस को मिलने वाला था कि कन्हैया और जीएस मेवाणी जैसे तेजतर्रार कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस को बड़ा फुटेज और बड़ा कवरेज मिलता, लेकिन जिस प्रकार से नवजोत सिंह सिद्धू ने आज एकाएक शाम में इस्तीफा दे दिया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो ये कवरेज जो है उसको खराब कर दिया एक तरह से। लेकिन ये देखिए, ये कांग्रेस में कहीं ना कहीं लोकतंत्र है उसको दर्शाता है। नवजोत सिंह सिद्धू को मान लीजिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पूरी लड़ाई पूरी महाभारत ऋषि पूरी ऋषि ऋषि पूरी महाभारत इसी पे लड़ी गई। अगर ये पहले इस्तीफा दे देते पहले से, और देखिए मैं आपको एक सवाल लगता हूं, क्राइसिस क्या है? सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि सुषमा देव जी को आप बनाते हैं, खड़ा करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं लीडर के तौर पर, क्या होता है? आप आइडेंटिफाई करके खड़ा करते हैं सिद्धू को, क्या होता है? यह क्राइसिस है और इसको जब तक फेस नहीं करेंगे आने से कुछ नहीं होने वाला, आपको फेस करना पड़ेगा। जी ऋषि प्रतीक जी, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जिस जल्दबाजी में नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आप किसी भी लीडर को यदि लीडरशिप देते हैं तो उनकी मेंटालिटी को आइडेंटिफाई करना पार्टी के राइट, तो इसको बहुत सीधे सपाट भाषा में कहेंगे, सीधी सपाट भाषा में कहेंगे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ऑफकोर्स संजीव जवाब देना चाहते हैं, संजीव सिंह जी मैं आ रहा हूं बीजेपी के पास, आ रहा हूं ले संजीव सिंह, देखिए रिप्लाई करना चाहेंगे जी। देखिए देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है जी। और इस पे अभी इस तरह से कहना कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, नवजोत सिंह सिद्धू ने भारतीय जनता पार्टी को विगत 2 से 3 महीने में जिस व्यक्ति को आपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया वह 3 से 4 महीने में पार्टी पद से इस्तीफा देता है, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी वो बताता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के अरमानों को मोहर लगा दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह व्यक्ति स्टेबल नहीं है और आज दिखा दिया। 2-3 नियुक्ति को लेकर जो डिफरेंस था, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी के नियुक्ति को लेकर के चक्कर में संजीव को बोलने दीजिए, संजीव को बोलने दीजिए। एक मिनट ऋषि 73 दिन में, मैं तो दिन भी काउंट करके बता देता हूँ, 73 दिन। ऋषि जी बहुत जल्दीबाजी आप कर रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिनों तक थे, भारतीय जनता पार्टी की आइडेंटिटी को पूरी अच्छी तरह से जान के, और काफी दिनों बाद तब उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। आज इस्तीफा जो दिया है इस पे अभी कोई वक्तव्य देना मेरा या ऋषि जी का देना बहुत जल्दी राइट। मैंने तो सवाल ही नहीं रखा था आपसे संजीव, ये सवाल मैंने आपसे रखा ही नहीं था, लेकिन हाँ रोहित चहल मैं आ रहा हूँ, ऋषि आ रहा हूँ, रोहित चहल को देता हूँ। और आज जो मैंने कहा था कि दिन अच्छे वाली बात से शुरू की थी, और ये बात सच है कि अच्छे दिन नहीं, नवरात्रि तक तो इंतजार करना था कि शायद अच्छे दिन आ जाए, लेकिन कांग्रेस को तो लगता है कि जैसे सुबह से हुआ और शाम तक कुछ दूसरी खबर आ गई। जी रोहित चहल जी धन्यवाद आपका बहुत। मुझे लगता है देखिए, जिस तरीके से आज कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, लेकिन सबसे पहले जो हमारे देश के शहीद आजम, जिसने हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत भगत सिंह जी की जयंती है, मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूँ। और आज बड़ा ऐतिहासिक दिन क्योंकि भगत सिंह जी की जयंती है, साथ साथ आज 28 और 29 तारीख की रात थी जब सर्जिकल स्ट्राइक भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के की थी। उसी दिन, ऐसे ऐतिहासिक दिन के दिन ही कांग्रेस पार्टी ने, जो लोग जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाने वाले, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं,
ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी ने अपने दिलवाई ज्वाइनिंग कराई। महत्वपूर्ण विषय यह, सेना को बलात्कारी कहने वालों को कांग्रेस पार्टी ने ज्वाइन कराई, तो ये कोई बड़ा विषय नहीं। और आपने जब इस तरीके से प्रतीक जी बड़ी अच्छी बात कही थी जब कन्हैया कुमार को अभी सुन रहे थे, तो कन्हैया कुमार ने क्या कहा, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। उन्होंने मंच पर बैठ के कहा कि वहां पर अब सबको एकजुट होने की जरूरत है, कांग्रेस डूब रहा है। कांग्रेस ऐसे बात बताएगी कि राहुल गांधी, क्योंकि अब राहुल गांधी पूरी तरीके से फेल हो गए, हमने देखा जिस तरीके चुनाव के अंदर प्रियंका गांधी को यूपी का काम दिया तो 2 सीट थी यूपी के अंदर लोकसभा के अंदर, वो एक रह गई, अमेठी भी हार गए, रायबरेली तक सिमट गए। तो अब ये अब लेकर आए हैं, क्योंकि अब देखिए जो स्क्रिप्ट थी वो पहले लिखी गई थी जब नारे लगे थे जेएनयू में, राहुल गांधी उनके समर्थन में जाके जेएनयू के अंदर बैठे थे, आपको याद होगा। उनके खिलाफ जब कैंडिडेट देने की बात आई, चाहे बेगूसराय में कन्हैया कुमार चाहे जिग्नेश के खिलाफ, तो दोनों जगह कांग्रेस ने और उनके समर्थक दलों ने कैंडिडेट नहीं दिए। तो देश विरोधी जो ताकतें हैं ऐसे लोगों के, कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधियों के साथ रहता है, उनको मंच पे लेकर आए हैं। अरे मिर्ची लग गई सर, मुझे पता है, मुझे बोले नहीं, मैं धैर्य सुना सर, देर देख रहा सर, अरे आपको तकलीफ क्यों हो गई, इतना दर्द क्यों हो गया, मेरे को बोलने तो दीजिए, मैंने तो आपको इंटरप्ट नहीं किया, अरे आपको इतना दर्द क्यों हो गया सर, अरे चोर चोर मुसेरे भाई, अरे अब ये तो देखिए अब तो समझ में आ रहा है, ऋषि 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 समझ में आ रहा है, आराम से ऋषि, मैं आ रहा हूँ संजीव, आ रहा हूँ। राहुल गांधी को उन्होंने फेल बता दिया मंच से बैठ के, कि राहुल गांधी फेल हो गए, कन्हैया कुमार ने कहा, प्रियंका गांधी फेल हो गई, अब मैं ही कांग्रेस की नैया पार लगाऊंगा। अरे शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी ले लीजिए, आपके नेता को उन्होंने फेल बता दिया ऋषि जी, संजीव राहुल गांधी को, संजीव संजीव प्लीज रिस्पॉन्ड, फिर मैं वाला जी सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी पे आता हूँ, संजीव प्लीज रिस्पॉन्ड, संजीव संजीव राइट राइट रोहित राइट रोहित जी, भगत सिंह के नाम पे जो लोग आज राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हेड गवार ने क्या कहा था कि अपने संघ के लोगों को, तो हमको छिछोरा क्रांतिकारी युवक नहीं चाहिए। और ये वो लोग कहते हैं कि भगत सिंह का मुकदमा हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली ने लड़ा था, हमसे हमारे हमारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर की जेल में मिलने गए थे, और ये लोग जो भगत सिंह को छिछोरा कहते थे, जो लोग जिन्ना जिन्ना और सावरकर की राजनीति से देश का बंटवारा करते हैं, वो हमें बताएंगे, जो लोग जम्मू कश्मीर में जाकर के वो प्रतीक जी महबूबा मुफ्ती से वही तारा आपने सुना है कि नहीं सुना है, और आज तक सिद्ध नहीं कर पाए, जो लोग पाकिस्तान की मुद्रा की चलन की बात में महबूबा मुफ्ती कहती थी, भारतीय जनता पार्टी से आपने उस व्यक्ति को ज्वाइन कराया जो भारतीय सेना से भारतीय सेना को बलात्कारी कहता है, अरे वो कन्हैया कुमार जो भारतीय सेना को बलात्कारी कहता है, सामने देखिए ये कन्हैया है, इन कश्मीर सिक्योरिटी फोर्सेस रेप वुमेन, ये कन्हैया कुमार कहते हैं आपसे, ये लोग कन्हैया कुमार को आपने ज्वाइन कराया जो कहते हैं कि सेना बलात्कारी है, जो सेना हमारे जो देश का नहीं है उनको बलात्कार कहने वाले, राइट 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 राइट, डिबेट आगे खोलता हूं मैं, डिबेट आगे ले जाता हूं, डिबेट आगे ले जाता हूं, सुनील मैं ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं ऋषि, मैं आ रहा हूँ, रोहित रोहित चहल रोहित चहल रोहित चहल संजीव सिंह राइट राइट संजीव संजीव कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, मैं डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूँ, आई विल गिव यू टाइम रोहित 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 आई विल गिव यू टाइम, मैं सीधे सीधे रुक करना चाहूंगा सुनील यादव के पास। सुनील जी देखिये कितनी बढ़िया बात है कि आज सारे पैनल में कोई भी युवा नहीं, सारे युवा हैं, बस मुझको ही छोड़ के बाकी सारे युवा दिख रहे हैं आज, और बड़ी जबरदस्त चीज है, पैनल में बहुत कम होता, मैंने बड़े ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि सारे तो युवा बैठे हैं इसमें, कोई भी ऐसा ऋषि जी भी बहुत कम ही है, ज्यादा नहीं है ऋषि जी भी की उम्र, लेकिन सुनील जी ऑन अ सीरियस नोट मैं आना चाहता हूँ आपके पास, ये जो युवा लोग आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आपके पास भी एक गठबंधन एक बना था चुनाव से पहले, पिछला चुनाव याद करिए जब लड़के दो लड़के एक साथ आए थे, लेकिन वो चल नहीं पाया कांग्रेस में, हालांकि कांग्रेस की अपनी की बात अपनी बात है, लेकिन बीजेपी ने कुछ सवाल खड़े किए हैं और वो सवाल आपसे भी इधर पूछे जा सकते हैं। जी सुनील यादव जी देखिए प्रतीक जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आप युवाओं के युवा हैं, आप अपने को बूढ़ा ना समझें, बहुत से नौजवानों की आवाज हैं आप जी। और हाँ मैं एक बात सुन रहा था कि आपने कई बार कहा कि कांग्रेस को अच्छे दिन का इंतजार कर लेना चाहिए था, हम लोग और पूरा देश 7 सालों से अच्छे दिन का इंतजार कर रहा है, क्या बात है। और जहां तक सवाल इस बात का है हाँ। कि
कि नए लोग और पुराने लोगों की बात हो रही कि क्या जो नए लोग आ रहे हैं हाँ? वो क्या पुराने लोगों की जगह भर सकते हैं। तो मैं जितने लोगों को जानता हूं जो बहुत बड़े देश के नेता हुए जी प्रतीक जी, उनमें सबका अगर आप इतिहास उठाकर देख लीजिएगा जी, तो कोई 26 साल में सदन आ गया, कोई 27 साल में आ गया, कोई 30 साल में आ गया, और अभी ये जो आप नौजवान बिठा रखे हैं अपने डिबेट में जी, ये सब 35 से 40 वाले हैं। अच्छा, तो इनको ये कह देना कि इस उम्र में आप आए हैं तो आप क्या करेंगे, दूसरे की जगह भरेंगे कि नहीं। हाँ, एक बात जरूर मैं जानता हूं, अभी पंजाब की भी बात चल रही थी कि कौन आया कौन चला गया। प्रतीक जी, मैं आपकी डिबेट में एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। स्वागत है। जो व्यक्ति विचारधारा से नहीं जुड़ा होगा, किसी दल के, उस दल के कार्यक्रमों से नहीं जुड़ा होगा, तो अच्छी परिस्थितियों में तो वो दल के साथ खड़ा होगा, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में वो छोड़ के खड़ा हो जाएगा। इसलिए दूसरे घोड़ों पे नहीं, अपने घोड़ों पे दांव लगाना चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को। ये दूसरे घोड़े ट्रेनिंग लेकर के आते हैं और कहीं भी चले जाएंगे। रोहित चल कुछ कहना चाह रहे हैं? रोहित चल, इसलिए हमारा ये मानना है राइट, किसी को घोड़ा नहीं करना, अपने घोड़ों पे दांव लगाना चाहिए, दूसरे के घोड़ों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जी रोहित चल, रोहित चल आप अच्छे दिनों पे बात में कमेंट करना चाह रहे थे। यूपी को ये सात पसंग है, इन्हीं ने लाइन दी थी आज। अच्छी बात है, घोड़े और खच्चर। अब देखिए, घोड़े नहीं है सर, खच्चर है। अब खच्चर इनकी, अब खच्चरों पे आप दाव लगवाएंगे तो क्या होगा? खच्चर तो हमने देखा जिस तरीके से फेल हो गए हैं। नहीं, घोड़े और खच्चर छोड़िए, जाते हैं आपने 7 साल। देखिए 2017, देखिए अब 17 के बाद से इनको बिल्कुल इनके बुरे दिन चल रहे हैं। और आप चिंता मत करिए सर, आपके 2022 में भी अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के अच्छे दिन आ गए हैं। योगी राज के अंदर जिस तरीके से वहां पे काम हुआ है, और जो आपके गुंडा राज था वो अब हट चुका है। तो यूपी जनता का आशीर्वाद और प्रेम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक बात, दूसरी बात देखिए, अभी जब मैं सुन रहा था तो अभी कन्हैया कुमार को, तो कन्हैया कुमार जी बाबा साहेब अंबेडकर जी की बातें कर रहे थे। देखिए, स्वर्गीय बाबा साहेब अंबेडकर जी, जिनका पूरा देश सम्मान करता है और आज देश यहां तक पहुंचा, उनके योगदान जितना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हीं बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट लड़ाया अपना। और इतना ही नहीं, बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या कहा था, ज्वाइनिंग द कांग्रेस विल बी सुसाइडल। ये बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा था। आज उसी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते समय किस तरीके से कन्हैया कुमार जी बाबा साहेब तो कभी भी कांग्रेस की बात नहीं करते थे। ये सर, ये मैं नहीं, बाबा साहेब ने खुद कहा। और कांग्रेस ने जिस तरीके से बाबा साहेब के खिलाफ नारायण सदभगा कजोल कर जी को चुनाव लड़ाया, राइट सर कम्युनिस्ट पार्टी जिसमें उसके पहले थे, बाबा साहब के खिलाफ लड़ाया। कहां थे आप बाबा जी की बात कर रहे हैं? अरे बाबा साहब के आपको ऋषि धर्मवीर को बोलने दीजिए, साहब को तो आपने यूज किया है। ऋषि धर्मवीर चौधरी साहब को बोलने दीजिए, धर्मवीर चौधरी का टर्न है और बाबा साहब के ऊपर जिक्र हो रहा है। मेवानी कांग्रेस की तरफ है, गुजरात में भी चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, और जिक्र जिस तरह का है, जिग्नेश का जिस तरह का आना है, निश्चित तौर से वो उत्तर प्रदेश में आएंगे और बसपा की निगाह जरूर होगी वहां पर। जी धर्मवीर चौधरी। प्रतीक जी आज भाई भगत सिंह की जयंती है। जी प्रतीक जी, आज भाई भगत सिंह की जयंती है। मुझे मालूम है सभी क्रांतिकारी हैं, उनको सत सत नमन करता हूं। मैंने अभी कन्हैया कुमार को भी सुना और अभी रोहित चहल को भी सुना और सभी लोगों को मैंने सुना। जरा मुझे आप 20 सेकंड दीजिएगा तो मैं अपनी बात पूरी करता हूं। 20 सेकंड आपको। भगत सिंह जी ने कहा था कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हो लेकिन उसके विचारों को नहीं कुचल सकते। तो जो लोग आज डिबेटों में, कार्यालयों में, घरों में परम पूज्य बाबा साहब की फोटो लगाते हैं, उनके विचारों का स्मरण करते हैं, तो ये कांग्रेस और बीजेपी के वो लोग हैं जो बाबा साहब की फोटो लगा करके तो दिखावा करते हैं लेकिन उनके विचारों पर नहीं चलते हैं। और आज अगर देश में बाबा साहब के विचारों पर ये देश चला होता तो ये असमानता की दूरी, छुआछूत की दूरी, धर्मवीर जी ने जिस समाज की बात, धर्मवीर जी जिग्नेश मेवानी की बात, धर्मवीर जी जिग्नेश मेवानी कहते हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वहीं पे जाने पे सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, जिग्नेश मेवानी ये कह रहे हैं। अरे मुझे प्रतीक जी मुझे बोलने दीजिए कन्हैया कुमार ने कहा
कन्हैया कुमार ने यह कहा कि ये कांग्रेस बड़ा जहाज है। प्रतीक जी एक पिक्चर आई थी, एक फिल्म आई थी टाइटैनिक, वो ओरिजिनल कहानी पर आधारित थी, लेकिन ये कांग्रेस का जो जहाज है ये नकली कांग्रेस पर आधारित है। तभी बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा था कि इस कांग्रेस के कभी चराने के मेंबर भी मत बनना, क्योंकि बाबा साहब ने पहले ही भांप लिया था कि ये जो लोग कांग्रेस में आज हैं ये उस कानून के पाठ को पढ़ने वाले नहीं हैं, ये वही सामंतवादी और संजीव जवाब देंगे। संजीव आप जवाब देना चाहेंगे? संजीव में जाने से संजीव संजीव वेरी क्विकली इसीलिए खत्म हो गई देश के अंदर। पहले अगर कांग्रेस अगर सही होती तो साहब को बहुजन समाज पार्टी बनाने। आज आज पहली बात कि जो लोग बाबा साहब के सिद्धांतों पे आज तक नहीं चले, मान्यवर कांशीराम जी के सिद्धांतों पे आज तक नहीं चले, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम पर करके मायावती जब ये कहती हैं कि हम समाजवादी पार्टी को हराने के लिए कोई भी सौदा करने को मंजूर हैं, तो मजबूत किसको करना है ये पहले बताएं। दूसरी तरफ राज्यसभा में जहां 10 सांसद बीजेपी के जाने थे वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने ये बताएंगे। दूसरी तरफ आज चाहे आरक्षण का मुद्दा रहा हो, सीए का मुद्दा रहा हो, नीट का मुद्दा, मैं संजीव को रोकना चाहूंगा, संजीव को रोकना चाहूंगा, संजीव संजीव को रोकना चाहूंगा, संजीव को रोकना चाहूंगा। उनको समर्थन नहीं दिया होता तो रायबरेली अमेठी से दोनों लोग हार जाते। राइट, मेरे आखिरी पैनलिस्ट हैं जो शिवम त्यागी डिबेट के आखिरी ब्रेक के पहले मैं जाना चाहूं, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अभी दोनों युवा तेज तरार बैठे हैं, लेकिन तीसरी घटना के भी मैंने जिक्र किया आज डिबेट में। सवाल यह है कि अंदर क्या है, बाहर क्या पोजीशनिंग है, पोस्चरिंग क्या है, ये सब तमाम सारी चीजें सामने क्लियर है। आज हमारे साथ डिबेट में स्टूडियो से हिस्सा ले रहे हैं जी प्रतीक जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि धर्मवीर जी तो वो टाइटैनिक को बस जरा छू कर निकल गए, लेकिन उसका लब्बोलुआब ये होना चाहिए कि जहाज कितना भी बड़ा हो लेकिन पायलट अगर आपका ठीक नहीं है तो वो तो बर्फ में जाकर टकराएगा ही। बहरहाल पायलट शिमला में थे, अभी आए तो आते ही वो जहाज टकरा गया और हालात फिर कैसे हो गए। इसके बाद कहते हैं इन्होंने तमाम चीजें कही और अब सुन लीजिए ना, इसके बाद मैं एक और चीज कोट करना चाहूंगा। यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज ये ना बोला आप क्यों इतना चिल्लाने लगे। दूसरा, चार लाइनें में इस देश के सबसे बड़े शायर जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उनकी यहां पर बोलना चाहूंगा क्योंकि वो कॉपी पेस्ट बहुत करते हैं। आकाश की कोई सीमा नहीं और पृथ्वी का कोई तोल नहीं और सिद्धू की कोई जात नहीं और आदरणीय अमित शाह जी और पारस का कोई मोल नहीं कोई तोल नहीं, ये उन्हीं की लाइनें हैं। अब आगे आ जाते हैं, आपने कन्हैया कुमार की बात कही, मैं आपको खुलकर कह रहा हूं क्योंकि पेपर लेके आया हूं, देश का गद्दार कन्हैया कुमार, अफजल का यार कन्हैया कुमार, युवाओं का गुनाहगार कन्हैया कुमार। और एक और चीज अंत में कहना चाहूंगा कि भगत सिंह जी की जयंती पर आप उनको नमन करें, वो बिल्कुल ठीक है, कन्हैया कुमार के साथ ना जोड़े, एक ने देश के लिए जान दे दी और एक देश के गद्दार वाली बात नहीं, बिल्कुल है प्रतीक जी, मैं तो साबित है, बताइए पेपर लेकर आया हूं, पूरा जो ऑर्डर है उनका ट्रायल शीट लेकर आया हूं, बताइए कहां से कोट करना है मुझे, मैं सारा कोट करने को लिए तैयार हूं। 9 फरवरी 2016 की पूरी घटना, उनकी जो एप्लीकेशन थी वो, उनका जो पेपर था वो, सारी चीजें लेकर आया हूं। खैर आगे आ जाते हैं, किसी कोर्ट ने नहीं कहा ना, किसी कोर्ट में तो ये बात नहीं, जज का रिमार्क है, मुझे तो पहले ही पता था। On 9th of February 2016, a program proposed to be organized under the title Poetry Reading, The Country Without a Post Office. ये टाइटल था, इस टाइटल पे इन लोगों ने, कन्हैया कुमार और उमर खालिद ने, इन दोनों ने मिलकर, उमर खालिद के उस पर सिग्नेचर थे, इन दोनों ने मिलकर उसकी अनुमति मांगी थी, कविता पढ़ने के ऊपर अनुमति मांगी थी, उसके बाद अफजल का पोस्टर लगा दिया गया था, अनुमति कैंसल हो गई और उसके बाद भी इन्होंने प्रोग्राम किया। और कन्हैया कुमार की एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन कहती है, वो भी मेरे पास है कि हाँ मैं वहां पर उस समय प्रेजेंट था, एक न्यूज़ चैनल संजीव पांडे देश के बड़े हैं, उनके एविडेंसेस भी वहां पर हैं। संजीव पांडे और दूसरा लास्ट में एक चीज और कहना चाहता हूं, एक होता है रचनात्मक युवक जैसे कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, एक होते हैं विध्वंसक युवक जैसे कि कन्हैया कुमार, उमर खालिद, शर्जिल इमाम, और एक होते हैं अति युवा व्यक्ति जैसे कि राहुल। संजीव 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 मैं उसके बाद
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास आना चाहूंगा। संजीव, संजीव वांट टू रिस्पॉन्ड। हम सवाल कर रहे हैं आपके एक्सपर्ट महोदय से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से पूछना था। गांधी जी ने तो 19 फरवरी को, मार्च 23 को और 19 मार्च को चिट्ठियां लिखी थी। मैं पूछना चाहता हूं कि हेडगवार ने अपने संघ के लोगों को बैठा कर क्यों कहा कि हमें छिछोरा। हेडगवार जी और कहां कन्हैया कुमार, कोई कोई समानता भी अगर दायर करनी है तो मेरी ही कर देते कम से कम। रोहित चला रहा हूं। कोई कंपैरिजन भी है क्या? देश के खिलाफ नारे लगाने वाले, हम छीन के लेंगे आजादी, बंदूक की नोक पर आजादी और कितनी सारी संजीव भाई, ऑडियो ऑडियो ब्रेक हो रही है। संजीव आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है। जल्दी हत्या नहीं करेंगे। संजीव आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है। संजीव हेडगवार जी की बात कर रहे हैं। शिवम त्यागी, सुनील कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील क्या, सुनील यादव जी जी जी। देखिए मैं सुन रहा था कि रचनात्मक युवा और विध्वंसनात्मक युवा, और रचनात्मक युवा में नाम लिया गया उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। क्या आपने उनकी हिस्ट्री नहीं देखी मुकदमों के, कितने मुकदमे हैं दंगों के, मारपीट के? क्या आपने नहीं देखा उनका? बिल्कुल देखी है। अच्छा देखिए तो रुक जाइए, तो राज्य केंद्र में सरकार है आपकी। एक बात आप और कह रहे हैं कि जो देश के खिलाफ नारे लगाए, वो देश के खिलाफ जो नारे लगाए हम उसके पक्ष में नहीं हैं। आप उसी के पक्ष में हैं बताओ, जो आप राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूपी के मुखबिर रहे हैं उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, जो देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबिरी करते थे, हम इस देश की बात करते हैं, देश की बात करते रहेंगे। क्या बोलेंगे आप देश तोड़ने वालों के साथ खड़े थे? दूसरा सवाल मेरा जो दूसरा सवाल है कि आज कन्हैया कुमार ने एक बात अच्छी कही, एक हमें अच्छी नहीं लगी, वो दोनों में कह दूंगा। जी जी। एक उन्होंने कहा कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, ये मैं स्वीकार कर रहा हूं। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। मैं इसी पॉइंट पे ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद रोहित चल से बहस का आगाज करूंगा। बट छोटे से ब्रेक का भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं। और जब मैं ब्रेक पे गया तो समाजवादी पार्टी के युवा नेता सुनील यादव जी ने दो बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं दो बातों में, एक बात से सहमत हूं जो बात कही गई कन्हैया ने, और दूसरी बात से मैं सहमत नहीं हूं जो बात उन्होंने कही। कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो लड़ सकती है या लड़ाई कर सकती है। एक बात तो ये कहा कि उन्होंने कहा इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और दूसरी बात देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं इससे वो सहमत हैं जो कि कन्हैया ने कही। जवाब देने के लिए रोहित हमारे सामने, रोहित पहले देंगे उसके बाद ऋषि, आई एम कमिंग टू यू। जी रोहित। प्रतीक जी देखिए, मैं अभी जब सुन रहा था समाजवादी, देखिए इन्होंने बिल्कुल, इनके लिए इमरजेंसी हालात हो सकते हैं, उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है आज देश के अंदर जिस तरीके से 370 जैसा नाम का और 35 नाम का जो कलंक कांग्रेस ने हमारे माथे पे लगाया था उसको हटा के फेंकने का मोदी सरकार ने किया। जिस तरीके से सीए लाकर, हमारे जो दूसरे देशों से लाकर जो हमारे नागरिक हैं, हिंदू भाई बहन सिख, उन सबको नागरिकता देने की बात, जिस तरीके राम मंदिर का जो एक लंबा टला हुआ था, आज राम मंदिर बनने जा रहा है, इनको दिक्कत है। ट्रिपल तलाक जैसा काला कानून जो कलंक था उसको हटाकर आज माँ बहनों को सम्मान देने का मोदी जी ने किया, इनको तकलीफ होती है। आज एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक आज पाकिस्तान के अंदर घुस के करते हैं, तो इनको लगता है देश के अंदर इमरजेंसी है। बिल्कुल इनको आज कांग्रेस की इमरजेंसी याद नहीं आती, इनको दिक्कत होती है कि आज कैसे माओ को सम्मान, 10 करोड़ शौचालय बनाकर आज जिस तरीके से माओ को सम्मान देने का काम मोदी जी ने कहा है, माँ के आंसू पहुंचने का काम उज्ज्वला के द्वारा सिलेंडर देकर किया है, किस तरीके से मोदी जी ने हर घर पे जल पहुंचे उसका कर रहे हैं। मोदी जी ने जिस तरह 18,000 गांव के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया जहां पे अंधेरा होता था, आज इनको तकलीफ होगी। और जिस तरीके से हमने देखा आज 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन एक देश के दिन के अंदर लग रही है, ये पूरा देश ने देखा, तो इनको इमरजेंसी हालात लगेंगे। क्योंकि सुनील यादव प्लीज रिस्पॉन्ड आज देख रहे हैं इनके नेता, आज इनके आजम खान जेल के अंदर इनको लग रहा है इमरजेंसी। क्योंकि सुनील यादव को टाइम दीजिए। भगवान राम के मंदिर से कोई आपत्ति नहीं है, उज्ज्वला से कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति है देश में अगर कोई पत्रकार सच दिखा दे तो आप FIR लिखकर के जेल भेज देंगे।
कोई अगर चैनल आपके खिलाफ सच्चाई दिखा दे तो आप ईडी और सीबीआई का छापा डलवा देंगे। मुलायम सिंह जी को महंगाई कहां पर है, आप महंगाई पे बात करिए, रोजगार कितने दे पाए आप उस पर बात करिए, आप अपने नारों पर बात करिए, आप अपने संकल्प पत्र पर बात करिए, आप उन बातों पर बात करिए जिस पर देश की सम्मानित जनता ने आपको सरकार बनाने का मौका दिया। किस तरीके से आपने आप कह रहे थे आप करेंगे महंगाई पर बात, आप करेंगे बेरोजगारी पर बात, कांग्रेस आप करेंगे डीजल पेट्रोल गैस के दाम पर बात, कांग्रेस की भाषा सड़कों में गड्ढे हैं उस पर बात करेंगे, आपके नेता कोरोना में तबाही मच गई उस पर बात करेंगे, आप किस पर बात करेंगे, सबसे बड़ा विरोध केवल चीखेंगे कांग्रेस। प्रतीक जी मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिस तरह से ये सिचुएशन हो रही है ये कितना मतलब कलयुग में कितना संगम और कितनी बेहतरीन सिचुएशन है कि समाजवादी के प्रवक्ता बैठकर कह रहे हैं कि हमें राम मंदिर से कोई परेशानी नहीं है, इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है, कमाल की बात है। अरे रोहित 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 आज जिस तरीके से विकास हो रहा है आपको दिक्कत इसी चीज से हो रही है। राइट 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 आपने ये बताइए आपने मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी नहीं चलवाई थी और किसके लिए माफी मांगनी पड़ी? राम जी का सबसे ज्यादा विरोध ऋषि ने किया और 2017 के अंदर हलफनामा दिया कोर्ट। राइट रोहित सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस सरकार ने की राम किस पर बात करेंगे वो बता दीजिए आप। आप अगर कोई आपके खिलाफ बोल दे तो FIR, पत्रकार बोल दे तो FIR, कोई चैनल चला दे तो जांच, देश जानना चाहता है क्या कर रहे हैं आपके मुलायम सिंह यादव। यही इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई थी और कांग्रेस अभी तक कुछ नहीं पा रही है, वही हश्र भारतीय जनता पार्टी का होगा। भारतीय जनता पार्टी को पूछने वाला कोई नहीं। सारे लोगों को रोक रहा हूँ। सुनील यादव ने कहा एक पॉइंट रखा पूरी डिबेट पे, रोहित रोहित प्लीज लिसन, उन्होंने कहा कि आप किस मुद्दे पर बात करना चाहेंगे। उन्हें मुझे उनके कॉन्फिडेंस पर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है सुनील यादव, आपने कहा कि आप मुझसे किस मुद्दे पर बात करना चाहेंगे। सवाल तो यही था, आप ही ने उठाया था, सवाल यह था सुनील यादव, कांग्रेस ने कहा कि मैं ही हूं जो लड़ सकती है बीजेपी से, इस पर क्यों ना बात की जाए, इस पे बात की जा सके और इस पे करिए, इस पे बोलिए कि मैं हूं जिसके जो जिसके पीछे सब खड़े हो सकते हैं और हम फाइट कर सकते हैं। मुझे मालूम है बसपा ने भी हाथ उठाया। सुनील आज का मुद्दा यही है, आज का मुद्दा यही है सुनील, इसी पे बात होगी। जी सुनील यादव जी, प्रतीक जी मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस क्या बंगाल में है या लड़ी, क्या कांग्रेस बिहार लड़ी, क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश लड़ेगी, क्या कांग्रेस दिल्ली लड़ेगी? नहीं तो आपका तो कमोबेश यही हाल है। और मुझे उस बात पे आपत्ति थी कि कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा, मुझे उस बात पे आपत्ति थी। राइट 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 सुनिए, कांग्रेस रहे न रहे जी, भाजपा रहे न रहे, बसपा रहे न रहे, सपा रहे न रहे, देश तो रहेगा ना। ठीक है, गुड क्वेश्चन। संजीव सिंह कुछ सवाल, बड़े बेसिक सवाल जो आज सुनील ने पूछे। आप दोनों ने साथ साथ चुनाव भी लड़ा है, उत्तर प्रदेश से दोनों लोग हैं, मैं जानना चाहता हूं संजीव सिंह, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक उन्होंने गिना दिया, बिहार को लेकर सारा, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड संजीव सिंह। आवाज संजीव सिंह आवाज आ रही है आपको? संजीव आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही आवाज संजीव आवाज। सवाल यह था कि पश्चिम बंगाल में आप हैं क्या, बिहार में आप हैं क्या, उत्तर प्रदेश में आप हैं क्या, पंजाब में स्थिति सबको पता चल रही है, ऐसे में जब आप हैं नहीं तो कहां खड़े हो आपके पीछे, आप ही अकेले कैसे हैं? हम भी तो हैं, समाजवादी पार्टी भी तो है, RJD भी तो है, आप उसको कैसे नकार सकते हैं? संजीव सिंह बसपा भी तो है, ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं जी, धर्मवीर आ रहा हूं। प्रतीक जी तो खुद ही बसपा को भी भूल गए, देखिए संजीव आवाज आई आपको? सवाल फिर से पूछिएगा संजीव, नाउ यू हैव टू वेट। ऋषि मिश्रा प्लीज रिस्पॉन्ड, सवाल जो पूछा गया, क्या आप पंजाब में हैं? जी सॉरी, क्या बंगाल में हैं?
जी प्रतीक जी, प्रतीक जी ऐसे कई राज्य हैं जहां भाजपा भी नहीं है और कांग्रेस इस देश के सबसे पुरानी अरे भाई आपसे कहा गया, आपसे पूछा गया कान है तो आप कहें आंख भी नहीं है, ये कौन सा तर्क हुआ भाई? सुन तो लीजिए प्रतीक जी, सुन तो लीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने से पहले मैं एक चीज कोट करना चाह रहा था, बहुत देर से मैं परेशान था, बोलने का मौका मिला है, मैं एक लाइन पढ़ के सुनाता हूँ, आप सुनिएगा, फिर भाजपा का जो ये दोगली राजनीति है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। जेएनयू में कन्हैया कुमार के साथ जो हुआ वो गलत था, वो वीडियो ऑडियो फर्जी थे, ये भाजपा सांसद की पत्नी का बयान है, लद्दाख से भाजपा का इशू ही नहीं है ऋषि मिश्रा, ये लीगल इशू है। आप मुझे समझ में नहीं आता कि जब आप डिबेट में आते हो तो कुछ पहले से सोच लेते हो क्या ये बोल रहे हैं? ये भाजपा और कांग्रेस का विषय नहीं है, ये विषय है कि कोर्ट क्या मानता है, ये विषय है ये जज क्या मानते हैं, और जज कहते हैं सुनिए प्राइमा फेसा सैटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट इन सपोर्ट ऑफ द चार्ज, ये उस जज का कोटेशन है जिन्होंने इनको बेल दी। कैसी बातें करते हैं आप? अरे आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, प्रतीक जी क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुकदमा ट्रायल में है, जज के क्या रिमार्क्स हैं, एसजी ने क्या कहा, कपिल सिब्बल ने क्या किया, वो महत्वपूर्ण है, ये पॉलिटिकल नहीं है। किसी पर केस पॉलिटिकल हो सकता है लेकिन उस पर जो ऑब्जर्वेशन एक अथॉरिटी की है, एक ब्यूरोक्रेसी की है, जजेस की है, वो महत्वपूर्ण है। और आप ये क्या कन्हैया कुमार को बचाने चले हो, भगत सिंह जी की जयंती पे आप कन्हैया कुमार को बचा रहे हो? अरे ये देश को तय करना पड़ेगा कि वो भगत सिंह जी के मूल्यों पर चलेगा या देशद्रोही कन्हैया कुमार के मूल्यों पर चलेगा। की बात है कन्हैया कुमार का गांव बारौनी है, 72 वोट मिली थी उसको, 4.5 लाख से गिरिराज जी ने हराया था उसको, बस यही उसकी हैसियत है। ये देश को तय करना पड़ेगा, कल मैं देश को गाली देकर बड़ा नेता बन जाऊंगा कोई कांग्रेस जैसे पार्टी को गाली ऑडियो डाउन। ये बात नहीं, मैं संजीव आपको ऑडियो आ रही है मेरी, अब ऑडियो आ रही है संजीव जी? आ रही है जी, बिल्कुल अच्छी है। बड़ी पार्टी है, बड़ा विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, तो आवाज आनी चाहिए, आप तक आनी चाहिए। सवाल आपने सुना था या सवाल मैं फिर से दोहराऊं आपको, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? सवाल कर दीजिए जी। सवाल ये कहा था, सुनील यादव ने पूछा था आपसे कि बंगाल में आप है नहीं, बिहार में आप है नहीं, यूपी में आप लड़ेंगे, कहां लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे पता नहीं है, तो आपके पीछे कैसे खड़ा हुआ जाए, आप पे आपके हाथ में झंडा कैसे दे दिया जाए पूरे विपक्ष का, सवाल ये था कुल मिलाकर। सुनील बिल्कुल, प्रतीक जी पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि सुनील जी पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पे समाजवादी पार्टी कितनी चल रही है एक उदाहरण देकर खत्म कर दूंगा कि आज डॉक्टर लोहिया से कभी किसी जमाने में पत्रकार पूछे थे कि डॉक्टर लोहिया आपका परिवार कहाँ है, तो डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि पार्टी ही मेरा परिवार है, और उसको बदल दिया मुलायम सिंह यादव ने, कहा कि परिवार ही मेरी पार्टी है, जो वो समाजवाद है जो कुनवावाद पे चलता है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी बंगाल में भी थी, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में है, और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी। सुनील यादव जी याद रखिएगा, सुनील साजन जी इसकी चिंता आप मत करिए, क्योंकि आपके सांसद एनआरसी सीए के समय आजमगढ़ में जो सांसद नहीं जाता, जहां से अखिलेश यादव नहीं जाते, वहां हमारी नेता प्रियंका गांधी जाती हैं, किसानों के मुद्दे पे ट्वीट करके बस में बैठ जाते हैं, वहां हमारी नेता लाठी खाने का काम करती हैं, हाथरस की बेटी के लिए प्रियंका गांधी जाती हैं, उत्तर प्रदेश देख रहा है। राइट सर, संजीव जी मैं कोशिश करता हूं कि जिससे सवाल पूछा जाए उसके पास तक पहुंच जाए सवाल, चाहे मुझे प्रोग्राम छोटा पड़ जाए, अवधि छोटी पड़ जाए, लेकिन वो सवाल वहां तक जाए और रिस्पॉन्ड हो, ये कोशिश रहती है। बिल्कुल सुनील यादव ही जवाब देंगे। सुनील जी, कांग्रेस का कहना है आप ही के यहाँ परिवारवाद है, मेरे यहाँ परिवारवाद नहीं चलता, आप ही लोगों ने पार्टी को परिवार, परिवार को पार्टी बनाए, कांग्रेस में ना तो पार्टी है ना परिवार है जी, कि इनके यहाँ परिवारवाद नहीं है तो हम मान लेते हैं इनकी बात कि भाई नेहरू जी के बाद कौन आया, इंदिरा जी आई इंदिरा जी के बाद, राजीव जी आए राजीव जी के बाद, सोनिया जी आई सोनिया जी के बाद, राहुल जी आए राहुल जी के बाद, प्रियंका जी आई प्रियंका जी के बाद कौन आएगा ये बताएंगे, लेकिन ये परिवारवाद नहीं है। एक जहां तक सवाल लोहिया जी की बात का है तो लोहिया जी के ही सिद्धांतों को हम लोग पालन कर रहे हैं। लोहिया जी ने कहा है जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो हम लोग 5 साल के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम सरकारों से लड़ रहे हैं, और प्रतीक जी हमारे लिए जैसी भाजपा है वैसी कांग्रेस है, दोनों एक पंचायत दो पहलू है, यही कांग्रेस 10 साल समाजवादी पार्टी के समर्थन से सरकार चलाते हैं और बाद में सवाल हम पर खड़ा करते हैं।
तो इनमें और भाजपा में कोई अंतर नहीं। लेकिन एक बात तो बहुत शानदार है, एक बात तो बहुत शानदार है कि रोहित चहल की पार्टी इसी तरीके से जीत के निकल जाएगी, या विपक्ष के लिए लड़ते रहेंगे मैं बेहतर मैं बेहतर मैं परिवार। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पंजाब से, पंजाब से एक बड़ी खबर आती हुई इस वक्त, और वहां से कैबिनेट से एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ऋषि जी के पास भी शायद खबर है, पंजाब में एक और इस्तीफा हुआ है और वो सिद्धू के इस्तीफे के बाद। रजिया सुल्ताना वहां पे कैबिनेट मंत्री थी, रजिया सुल्ताना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा सिद्धू के इस्तीफे से जुड़ा हुआ है। उसके इस्तीफे का देने के बाद उसके उनके पक्ष में उनके गुट में आते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है रजिया सुल्ताना ने। तो कांग्रेस में आज उम्मीद थी बड़ा अच्छा दिन रहेगा, जिस तरह से लोग शामिल हुए थे, शरीक हुए थे, चेहरे युवा नया खून तरोताजा, लेकिन ये जो शाम होते होते ढलते ढलते अच्छे दिन कहां चले गए पता नहीं। कांग्रेस के लिहाज से ये बात हो रही है और ये बात बड़ी है इस वक्त जो खबर आ रही है। रजिया सुल्ताना जो कि कैबिनेट मंत्री थी वहां पंजाब में, उन्होंने सिद्धू के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। पहले सिद्धू का इस्तीफा हुआ, लेकिन आज सुबह का जब हुआ था तो खबर सबसे बड़ी ये थी कि कांग्रेस में दो नाम बड़े युवा शरीक हो सकते हैं, लेकिन शाम होते होते सिद्धू ने, जैसे कहते हैं ना कि पिच ने ऐसा टर्न लिया, ऐसी बॉल टर्न होने लगी कि पूरी पिच ही जो थी लगता है टीम ही जो है 12 रन 13 रन पे आउट हो गई। ये वही स्थिति हुई, ऐसी ही स्थिति लग रही, 36 रन पे पूरी टीम जो है आउट हो गई। जी संजीव कुछ बोलना चाहेंगे, वांट टू कमेंट संजीव जी? नहीं इसमें प्रतीक जी इसमें कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, पिच बिल्कुल अच्छा खेलेगी, चिंता ना करिए अच्छा खेलेगी राइट, मैच हम ही जीतेंगे। धर्मवीर चौधरी जी, प्रतीक जी जी, ये बहुजन समाज पार्टी संविधानिक पार्टी है, बाबा साहब के आदर्शों पर चलती है, और आप जो है हमें सबसे कम टाइम देते हैं इस डिबेट में, आपने मुझे सबसे कम टाइम दिया है। ऐसा मुझे देखे, भाई देखे, मेरे मेरे तो मैं अपनी बात को रख पाऊं? नहीं नहीं नहीं, आप अपनी बात कहिए, देखिए ऐसे इल्जाम मत लगाइए, मेरे मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाइए, कम से कम अभी आप अपने हमसे समय ज्यादा ले लीजिए। प्रतीक जी प्रतीक जी मैंने अभी बहुत सारे लोगों की बातों को सुना, मैं इसमें दो लोगों को कोट करना चाहूंगा। बिल्कुल जल्दी से, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अच्छे दिनों का वादा किया था, और अभी अभी जो है कन्हैया कुमार ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि इस देश को कांग्रेस ही बचा सकती है जी। तो मैं इस डिबेट के माध्यम से इन सभी देशवासियों को और इन पैनलिस्टों को यह बता दूं और यह समझा दूं कि इस देश को बाबा साहब का संविधान ही बचा सकता है। आज 14 करोड़ लोगों की नौकरियां युवाओं की प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह और मोदी जी की तिगड़ी ने खत्म कर दिया है। आज जो है देश में ऐसी वो कौन सी नीतियां थी कांग्रेस की? प्रतीक जी अच्छे दिन की बात तो मुझे लगता है जनता ने बोली तो सफाया कर दिया। बोलिए आज 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 जो है 2014 के बाद में ये बाबा साहब के संविधान में मिली हुई वोट की ताकत से नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, इससे पहले होने वाले जितने भी राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ऋषि रोहित 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 चहल ना ऋषि रोहित चहल इस देश के लिए एक मीठा जहर है। राइट सर रोहित चहल प्लीज रिस्पॉन्ड। रोहित चहल ऑडियो डाउन रोहित चहल प्लीज। मुझे लग रहा है दो तीन बातें यहाँ पर आई। देखिए हाँ देखिए मैं जिस तरीके से सुन रहा था, जो हमारे अभी बोल रहे थे अच्छे दिन की बात कर रहे थे, देखिए अच्छे दिन तो गरीबों के आए ना, जिसको आवास मिला, जिस 2 करोड़ लोगों को जिनके घर पे छत आई, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने बताया शौचालय बनाकर माँ को सम्मान दिया, अच्छे दिन वहां पर आए ना, जिस तरीके उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर हो, चाहे आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हो, देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो देश के अंदर मोदी जी ने एक परिवर्तन लाया है, और लगातार जिस तरीके से आगे देश बढ़ रहा है तो वही एक कारण है कि इनके बुरे दिन जरूर आ गए उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे समाजवादी हो चाहे बहुजन समाजवादी हो। आज ये बात कर रहे थे, मैं अमेठी की बात कर रहा हूं, सर मैंने आपको बड़े धैर्य सुना, मैंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया आपके बीच, अब सुन लीजिए। देखिए आज अभी संजीव जी बात कर रहे थे यहां पर बैठ के कि भैया प्रियंका जी जाएंगे हमारी कैप्टन, देखिए कैप्टन तो इनके फेल हो गए, हमने देखा अमेठी के अंदर ही कैप्टन हार गए, स्मृति जी ने जिस तरीके धोखे और धूल चटा के अमेठी की जनता ने बजाया, उसका कारण क्या था?
अच्छे दिन अमेठी की जनता के आए क्या? वहां पे आप जाएंगे, मैं 2 महीने उस चुनाव में था, वहां पे शौचालय बन मिला माँ को, उस माँ को, उस किसान भाई को किसान सम्मान निधि उसके खाते में मिली, जिस तरीके से वहां पे आयुष्मान के तहत उनके कार्ड बने, वो आज उसी वही कारण था। राहुल गांधी ने तो कुछ दिया ही नहीं, तो इनको धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, संविधान से, बाबा साहब के विचारों से टूटियां चुरा चुरा के ले गए। धर्मवीर जी, राइट सर, राइट सर, छोड़ दीजिए राइट सर, बाबा साहब की बात करते हैं। 5 तीर्थ के रूप में जो बाबा साहब से जुड़े 5 स्थान थे, मोदी जी ने उन 5 तीर्थों के रूप में उनको वहां पर वो देखे किस हालत में थे। राइट सर, राइट सर, राइट सर, विकास मैं बहस में सिर्फ एक छोटा सा बहस में छोटा सा कॉमा लगाना चाहता हूँ, छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं माफी चाहता हूँ, छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आता हूँ।